सत श्री अकाल जी। अज की वीडियो में ना आप वाला जो दरवाजा साढ़े घर का ही दरवाजा तो यह वैसे टुटिया हुआ काफ़ी समा हो गया लकड़ का है यदि जगह आप अलमीनियम का लगाना आ बार पहला जाली वाला अलमीनियम का उत्तर लगा हों तो यह भी चगाठ न स्यौक वगैरह लग गई आ लकड़ ही इतने गल गई तो अज आप दरवाजा बना के लावे पूरा तरीका भी देखा जे तुम इस वीडियो के दरवाजा बना सीखना तो वह भी सीख सकते हो। बाकी ये उपर अपना ना एक पूरा चैनल बनया हुआ स्पैशल अलमीनियम के उपर ही आप बरीक तो बरीक जानकारी दिती हुई है। तुम यूट्यूब के उपर अलमीनियम पॉइंट जदों भी लिखोगे तो सामने चैनल आएगा तो उसका भी तकरीबन 93,000 सबसक्राइबर हैगा तो तुम उन्होंने सबसक्राइब कर सकते हो चैनल उत्थे आप तकरीबन जिन्ना भी अलमीनियम का काम होंगे उत्थे मेरिया वो वीडियो पाइया हुई जे तुम एक काम सीखने के चाहवान है अलमीनियम का जो कुछ यहोजे पॉइंट जो कई बार कोई दसदा नहीं आप उत्थे सारे दसे हुए अज कारण की है दरवाजे लगा असल मैनू ना काम छटे तकरीबन 3-4 साल हो गए पहला मैं अलमीनियम का काम करता हूँ सी अज मन जहा बनया भी चल नल तो दरवाजा ला लगे नाले फिर जो काम रिपीट हो जाता भुलता नहीं बंदा तो यह वाला दरवाजा तुम देख सकते हो उठा पाया बहर आप लावे दरवाजा तो इतने ये लावे सब तो पहले अपन मिलती लैनी पैंती है जिते पहला दरवाजा लगा हो लगा सौखा ही होंगे उसका की है कि जिमें दरवाजे की अपनी मेहनती ले ली भी 35 इंच 200 सूट आ जी चगाठ वो देख लेनी होंगी है कि योजी पेल लगी है जिमें इतने पेल चगाठ जी भी लगी होंगी है इतने जाने के जो चगाठ लगी सी उसकी 2.5-1.5 की अलमीनियम के भी यह सैक्शन आता 2.5-1.5 का आप चगाठ वो ला देवे उस तो बाद दरवाजा क्योंकि तो टुटिया वा आप जोड़ा ये सैक्शन आता दरवाजे वाला वह आप दरवाजा बना देवे जिमें कि इतों सारी इनू आप टॉप कह दें उपरले तो ये जो अलमे अपनी चगाठ है ये लकड़ दी है तो स्यौक खा गई तो जोड़ा आ वाला दरवाजा इतों यह तुम देख सकते हो कि लकड़ ना बोडी हो गई क्योंकि इतने मीह वगैरह पैंता रहा इतने पानी पैंता रहा जिदे करके ये जो दरवाजा है बोडा हो गया हूँ आप ला के तो दूजा बना देवे सब तो पहला आप जड़ी इतने आता है आप पहला चगाठ फिट करा वैसे जो आप किसी के घर काम करते हैं उदो सिर्फ ये बारवा साइज ही ले लेना हों बाद दरवाजा बना लेना हों चगाठ के हिसाब के ना ही तो यानी कि जो भी आप मेचा लेना ये लेना बारवा बारवा साइज जिमें इतों बारहवीं चगाठ इधरों से इधरों होगी यदा जो साइज हैगा जी इतने आ रहा 40 इंच तकरीबन 2.5 सूट आ इस तरह आप उपरों देख लेंगे क्योंकि प्लास्टर के कई बार ना वाल घट हो जाती होंगी एक तो सूत की तो जिमें इतने भी ये है 40 इंच तकरीबन 2.5 सूट आ तकरीबन प्लास्टर सही होया वा तो चढ़ाई है जी इतों जिमें थले 40 इंच 2 सूत आ जो ये उचाई है वो आप मिल लेनी है उचाई ऊंचाई दे विच यह है जी 79 इंच का ठीक है जी आम वैसे 80 इंच तक दरवाजे होंगे है थोड़ा क्योंकि फर्श द्वारा लगी है जिदे करके 79 इंच का रहा वा दोनों साइड 79 इंच 40 इंच 2.5 सूट हम आप सब तो पहला चगाठ उत्थे कटांगे उस तो बाद फिर अगला काम शुरू कर दें। लो जी असं आह समान लैके आए थी समान लिया मैं काफ़ी दिन हो गए समा नहीं लगा तो ये जोड़ा समान हों मैं तुम्हें तो दिखाने लगा भी एक तो आह वाला सैक्शन हों इनू कहा जाता जी सिंगल यदी आह साइड प्लेन होंगी है तो यह साइड झरी बनी होंगी ये आप बोर्ड वगैरह ज शीशा पाना हों उस तो बाद रंग वाला ये है दूसरे को महंगा हों थोड़ा जहा बचा के भी रखना पड़े इस तरह आह वाला यदा सैक्शन है जी इनू कहा जाता बॉटम इस साइड कब्जे वगैरह लग जाते हैं इस साइड झरी के आप शीशा या प्लाई पा सकते हैं
तो बाद एक डबल होंदा बाद दोनों साइड झरी बनी होंगी है। आ वाला है जी चगाठ वाला सैक्शन जिमें इनू भी सिंगल ही कहा जाता ढाई डेढ़ कहते हैं इन्हों तो यह जो साइज हों जिमें आप पहला देखा है कि डेढ़ इंच साइड ढाई इंच जो लंबाई है असं लैके आए जी 17 फुट 15 फुट के भी लेंथ मिल जाती है। तो बाकी अलमीनियम का रेट काफ़ी ज़्यादा होया पे पहला असल जो मैं 2010 के शुरू किया काम उदो 150 रुपए किलो हों तो अज यह 280-300 के आस पास हो चुका है डबल रेट हो चुके हैं इन्ना की रेट। तो चलो सब तो पहले अपना चगाठ कटते हैं ये पेंट के पैसे वक्रे दे आ जो पेंट है पैसे वक्रे फुट के हिसाब न पैसे लेंगे अगे कि अगर 7 रुपए होंगे हूँ किन्ने 10 रुपए फुट के हिसाब से पैसे लेंगे पेंट के ये पाउडर कोटन हों स्पैशल पेंट हों जो अपना प्लेन हों सस्ता हों जाने कि कला अलमीनियम का रेट ही लगता अलमीनियम के काम के जो सब तो मेन चीज़ होंगी है जी वो गुणिया जिहड़े बंदे नूं गुणियां देखना आऊ जां कोई चीज़ गुणियां च करनी आऊगी ओह ही बंदा अलमीनियम दे विच कामयाब हो सकता जी। तो सब तो पहले आपां जिहड़ी इहदी मिलती आ इह सीगी 79 इंच तो 79 इंच दे आपां इत्थे पहला निशान ला लवेंगे तो इहदे विचों क्योंकि उपर जिहनूं आपां टॉप कह दिंदे आ ओह भी लगना तो टॉप दा हैगा जी 2.5 इंच तो आप 2.5 इंच इस तो होर घट रखा निशान भी गुणगे ने लाना पैना अपन उस तो बाद जिहड़ा 2.5 इंच साइज आ वैसे तो अपने को एक पीस चाहिए होंदा उहदे नाल सौखा लग जाता एक बार आप इहदे नाल ला लैंदे आ 2.5 इंच हुण जिहड़ा अपने को तैयार पीस चाहिए जी वो आ वाला जिहदा साइज हैगा 76 इंच तो 300 सूत तो हम आप इतों कट देना तो जोड़ी थोड़ी मशीन आ कटिंग मशीन है ये भी थोड़ी अपनी बिल्कुल गुणियों होनी चाहिए है ये ब्लेड भी स्पैशल हों मशीन भी स्पैशल होंगी असल तो आप पहले सैट किया हो उस तो बाद लो जी आ साइज अपना यदा चगाठ का पूरा तैयार हो चुका ये नाल आप 4 पीस कटांगे क्योंकि बाहर वाला जो जाली वाला दरवाजा तो एक अंदर वाला है ना ये वास्ते आप 4 पीस चाहिए ये तो जो आप जिमें पीस हूँ कटे हुए है ना ये आ वाला हो गया यह तो डबल आ दरवाजे का आ वाला चगाठ का है टॉप हूँ तुम भी सोचते हो कि जुड़ूगा किमें मतलब कि ऐ जुड़िया हों ठीक है ये ये वाली होंगी है जी फिटिंग एंगल कह देंगे तो इस तरह असं इनू कटते होंगे कट के दिखाने जिहड़ी है फिटिंग एंगल आ कटन का बहुत तरीका ये एक इस तरह एक डाई बनी होंगी है जे डाई तो ना इसनू कम करिए तो सट मार दी है बहुत भैड़ी अपने अलमीनियम पॉइंट चैनल पर जाके डाई किस तरह बनाउनी आ तुसी वेख सकदे हो उत्थे जाके अलमीनियम दी निक्की तो निक्की जानकारी तुहानू दित्ती होई आ उस चैनल नू सबसक्राइब लाजमी करियो जी। तो इहदे नाल आपां इहदे फिटिंग इस तरह कर देनी आ जिवें कि दरवाजे दी आ इहदे विच साइज वगैरह किन्ना रखना सब कुछ आपां उत्थे वीडियो दे विच दस्सिया होया जी। जिवें आपां आह वाला टॉप कट्टिया उपरला तो ये सामने वाली साइड आ रहूगी इहदी फ्रंट आह वाली साइड यदि झरी है कंध वाली साइड आ जूगी वैसे झरी होंगी है शीशा फिक्स कर लूँ पलाई या कोई होर चीज़ फिक्स करने वास्ते झरी होंगी ये क्लिप लग जाते होंगे ये आप एक छोटा जहा पीस कटिया जी तकरीबन 1-1.25 इंची का तो
आ वाली ये फिटिंग एंगल आप कट्टी है एस आई दी भाई दो साल कटे आ 5 mm के ता कि भाई जी 8 नंबर पेच वधिया लग सकन हुण आपां इहनू लगाउणा हैगा इस साइड तो ये आपां नूं इत्थे लाउणी पऊगी जी एंगल फिटिंग नेड़े लाउ तो ये जिवें कि आपां हुण आ साइड रखांगे तो बाकी जिन्ना गुणिए का काम वधिया होऊगा उन्ना ही आपां नूं वधिया रहेगा जी। तो आ वाली जो एंगल है इहनू आपां वैसे जी यदि बॉल वगैरह पहले उतार लेनी चाहिए ना सफाई उन्नी वध आ जाती है कम की ज़्यादा ये गुणिए का रेती का काम है जी। लो जी इस तरह आपू रख के पूरा पूरा जाने के बहरला सया जाए बराबर हो इस साइड पूरा रख के है ना तो आप इतने पेच कर देवे 8 नंबर पेच ये ज़्यादा वरतों के आते हैं तो आप इतने पेच कर देवे मैं तकरीबन आह 4-5 साल बाद पेच कसन लगा जी पता नहीं सही कसा जाना तो इनू आप गुणिया रख के यानी कि सीधा ही कर लेंगे जमा गुणिए दे नाल ठीक है जी। हम दूजा पेच आप इतने कस देवे इस तरह आप उपर सारे उपर पेच कस देंगे गट्टियां भी मार दे सालों थले तो की करना ना ना थले निकल जाने मैं कहो रख लेंगे उन्ना वर्मा फिर चकना बहुत चक लेने है ना फिर गुआ वर्मा बदल लो वर्मा बदल लो फिर के लोड़ा वर्मा बदलने अपना चकन दी लिया थले फटी तभी हम अं मर लगे तो गट्टियां वाले साल तो बटन दूजे होने बटन खराब है नहीं मेरे हाँ मेरा तो खराब हो गई अगर बड़े रही ना मेरे आगे आगे गरीब रहे लेंथ खे आ दे खे चलो जुचिका ठाक हेलो लो जी उस बाद गट्टी दे विच पेच कस के आप ठोक देने उस तो बाद मैं तो पेच कस भी कर सकते हूँ सोल हो गया थोड़ा जहा बस टाइट कर बस 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 चल इस तरह आप छे जो कस देवे साडा ही कैमरामैन नव फीता आ पाया उपरों तो थले फीता सैज आप मिल लेना यह मित्रा इतो है कि रखा है 35-7 इन्हें रखा ही साढ़े 7 होना चाहिए बस 7.5 ਤੇ ਆ ਵੀ
तकरीबन तकरीबन साढ़े हाथी है। सही है। हाँ सही है ना, घट है थोड़ा कर ला इतना गट्टी ला दो ले। अपनी कानों की तो नहीं आती चगाट, पुराने थान काम करना बहुत औखा हो जाता सहरी है नी गट्टी लगी नहीं है पूरी और कट होनी पूरी लागी ज्यादा ही लागी होंगे लो जी इतने आप चगाठ लगा दी है इस हिसाब के नाल इस तरह ही बाहर लगा दी है तो हम चगाठ लगन तो बाद हम आप मिनती ले लैनी आ ऊंचाई की तो चढ़ाई की तो ये मिनती आप लैके इतने ये आप चढ़ाई इतने लिख देंगे जिमें कि सब तो पहले उपरों यह है 35 इंच एक सूत लो जी अपना दरवाजे का साइज निकल आया वो आप रखा 3 सूत घट क्योंकि फर्श का थोड़ा उच्चा नहीं वा तो 76 इंच रखा तैयार 35 1 इन आप 1.5 सूत घटावे इन आप रख देंगे 34.5 7 34.5 7 इन्ना साइज आप तैयार यदा रखा लो जी हूँ अपन ना दो लेंथा चाहिए एक तो आप जी वीडियो सिंगल दिखाई सी इनू आप रखा 76 इंच तो एक बॉटम जिहड़े साइड आप कब्जे लाने हैं तो सब तो पहले इनू आप एक बार गुणगे कर लगे क्योंकि यदा जोड़ा मत्था होंगे कई बार वह वध घट कटिया हों यानी ये पूरा गुणगे च हो चुके हूँ इन आप कर ला बस पेंसिल इतनी जी हाँ भी इतनी रखी सी पेपर थल अपना साइज है 76 इंच का 76.3 सी जे आप 76.3 रख दे इन्ना तो फिर वो की होना है दरवाजे ने थले लगना है खुलने वास्ते इनू आप इन्नी उच्चा रखा एक सूत होर घटा लगे 4 सूत कर लगे चंगी तरह खुल जा करूगा है ना क्यों अंदरों फर्श दूजे पास जिथे जाके बंद होना उत्थे ना लगता लोड़ पई फिर टी ला दांगे टी की लोड़ ही नहीं पैनी जाली वाला बराबर जाली वाला जमा बराबर जे दरवाजा थले खाऊगा उहदे नाल नुकसान ये हो जाता भी दरवाजा ना जल्दी खराब हो जाता लो जी आप दरवाजे दोनों साइडा कट लिया जिमें कि यह वाला सिंगल आ ते ये वाला बॉटम आ तुसी वेख सकते हो कि ये एक अलग तो कलर बनिया हुई तो ये प्लेन आ हुण इस तो बाद जिहड़ा अगला काम वो आ जी खुरजियां दा जिहड़ी उपरली खुरजी विचाले वाली तो थले वाली विचाले आप डबल पावांगे डबल भी तुहानूं मैं दिखावां इक मिंट आ वाली डबल आ ये तुसी देख सकते हो कि दोनों पासे झरी बनी हुई यानी कि इधर भी बोर्ड आऊगा इधर भी आऊगा तो जेड़े ये उपरली खुरजी है तो थले वाली है वो आप वाला लगावे जी इन्हू बॉटम कह दें क्योंकि आप बड़ी लेंथ लिया पूरी कलर वाली ठीक है जी हुण इहदा साइज किवें कढ़ीए साइज कढ़न दे लई आपां नूं की करना पऊगा दोनों लेंथां आपां कट्ठियां ऐ रख लवांगे जोड़दियां जी लेंथां हुण जिहड़ा अपना साइज है इहदा उह हैगा 35 1 35 1 तो 35 1 दे विचों आपां 2 सूत घट रखांगे यानी कि 34 7 रखांगे साइज दा 34 7 तो 34 7 रखन तो बाद आपां इत्थों की करांगे सीधा 34 7 ते जावांगे ठीक है जी 34 7 ते गए जो इहदा बाकी दा साइज निकलदा ओ आ जी 28 3
ठीक है। 28 ਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੁਰਜੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਖੁਰਜੀਆਂ 28 ਤਨ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। लो जी फ्रेम आप जोड़ लिया, तो उस तो बाद जो बोर्ड आदि पाला बोर्ड दिया निशानियां ला लगा, तो निशानियां लाने तो बाद आप बोर्ड पा देना। आई देख सकते हो कि इस तरह बोर्ड पैंदा वा, बाकी जो बोर्ड होंगे यदि जी मेहनती होंगी कि घट रखना क्योंकि रबड़ भी पैनी होंगी आ, सारा कुछ आप पूरी डिटेल दूजे चैनल के उपर दी हुई अलमीनियम पॉइंट के उपर स्पैशल एक एक वीडियो बनाई हुई है, तुम उत्थे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो इस तो बाद असी बोर्ड कटते हैं, बोर्ड कटने तो बाद वैसे काफ़ी लोग इनू दूसरा या मार्बल कटर का उन्हें कटते होंगे आ, कुछ लोग लकड़ा ले कटरला कटते हैं, पर मैं ये लोहे वाले दे नाल ही कटदा हुंदा क्योंकि इहदे नाल ना बोर्ड भुरदा नहीं गा। बाकी आपो अपना काम हुंदा, जिहनूं जिवें चंगा लगदा उह करदा। लो जी अपना दरवाजा तैयार हो गया इतने, तो हम आप फिट कर लगे हैं। जी अगली वीडियो होगी वो टाइमलैप्स के होगी, तो क्योंकि जल्दी जल्दी फिर वो हाई स्पीड के बना दी है।
लो जी आपां इस तरह पूरा जो कंप्लीट कर दिता ये वाला जो डोर आ इस तरह बनया होया ते जेड़ा अपने को पहला जालिया दरवाजा पिया सी वह भी आपां इत्थे चगाठ लगा के ते ये सैट कर दिता जी। ठीक है जी, बाकी रह गया डोर क्लोजर वो आपां एक अलग तो वीडियो बनावांगे क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी आती है डोर क्लोजर लाउण दी ते वो आपां ला के तुहानू वीडियो बना के दिखावांगे। तो इस समय जाने कि अपना जो ये दोनों दरवाजे वह कंप्लीट हो चुके हैं। जे तुसीं यह काम सीखना अपने यूट्यूब चैनल अलमीनियम पॉइंट ते जाके पूरा यह काम सीख सकते हो। आप एक एक चीज़ उत्थे दसी हुई है जी। अज की अपनी वीडियो इन्नी सी जी, वेखन दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।